सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम स्वतंत्रता की 78वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इसे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने लगभग 200 वर्षों के संघर्ष के बाद प्राप्त किया था। महान क्रांतिकारियों के बलिदान को याद कर हम उन्हें नमन करते हैं। मैं विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय को ध्वजारोहण के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय कुलपति जी, बेटा मैं एक बार आऊंगा बोलने को, थोड़ा पीछे हटना, फिर ले लेना स्थान। बेटा मैं आऊंगा वहां पर एक बार बोलने। सभी राष्ट्रगान के लिए खड़े होंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तब जया गाथा। जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय 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 अमर रहे अमर रहे जय किसान जय किसान मातरम मातरम। अब विश्वविद्यालय के बालिकाओं द्वारा युगल गीत प्रस्तुत किया जाएगा। भारत माता का लगी भारत माता की जय। झीन 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 रे उड़ा गुलाल मई तेरी चूनरिया लहराई। झीन 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 रे उड़ा गुलाल मई तेरी चूनरिया लहराई। रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का माई तेरी चूनरिया लहराई। जब जब मुझ पे उठा सवाल माई तेरी चूनरिया लहराई। जीना जीना रे उड़ा गुलाल माई तेरी चूनरिया लहराई। माई रे तुझ बिन मैं तो अधूरा रहा। माई रे मुझसे रूठी मेरी परछाई।
ओ मेरी परछाई तेरा ख्याल, माई तेरी चुनरिया लहराई, जी जीना जी नारे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। भारत माता की। शानदार एवं प्रभावशाली प्रस्तुति के बाद बालिकाओं द्वारा समूह गान प्रस्तुत किया जाएगा। सॉन्ग देख के आना है वहां खतरनाक हो अच्छी ए वतन वतन मेरी आबाद रही तू, ए वतन वतन मेरी आबाद रही तू, ए वतन वतन मेरी आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझे से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझे से, पहुँचू मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचू मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम के आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम के आँच आने नहीं दूँ, कुर्बान मेरी जान तुझ पे साद रहे तो, कुर्बान मेरी जान तुझ पे साद रहे तो, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। रब पे आती है वतन दुआ बन के तमन्ना, मेरे वतन जिंदगी सम्मा के, मेरे वतन सूरत हो ए वतन खुदाया मेरे मेरी जिंदगी संभाली सूरत हो खुदाया वतन मेरी, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। भारत माता की। इस शानदार प्रस्तुति के बाद तीसरी प्रस्तुति बालक एवं बालिकाओं द्वारा समूह गान प्रस्तुत किया जाएगा। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा
मैं तेरा परिंदा है अर्जी दीवाने की जोर सुहानी देखी एक रोज वही मेरी शाम हो कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना जिक्र में शामिल मेरा नाम हो ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा आजल तेरा रहे मां रंग बिरंगा ऊंचा आसमां से हो मेरा तिरंगा जीने की इजाजत दे दे हुक्म शहादत दे दे मंजूर हमें जो भी तू चुने रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा भारत माता की तिरंगे झंडे की देश देश प्रेम का जज्बा प्रत्येक नागरिक में होता है। इस मोहब्बत और जज्बे को सभी में बखूबी अभिव्यक्त किया गया है। समाज में इसके अनेक उदाहरण हैं। कवियों ने भी, संगीतकारों ने भी, गायकों ने भी इसको समय समय पर प्रस्तुत किया है। एक लोकप्रिय गीत इसका उदाहरण है, ये मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जिसको लिखा कवि प्रदीप ने, संगीत से सजाया सी रामचंद्रा जी ने, अपनी दिलकश आवाज से गीत को लाफानी बनाया लता मंगेशकर जी ने। गीत के वाक्य बलिदानियों की याद दिलाते हैं। जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली। मैं अब माननीय कुलपति महोदय को उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत माता की, ये युवा पीढ़ी है, इसके कंधों पर देश का भविष्य है। भारत माता की, एक बार और, भारत माता की। स्वाधीन भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। अभी हाल में ही NIRF रैंकिंग डिक्लेयर हुई है और हमारे विश्वविद्यालय ने प्रथम 100 विश्वविद्यालयों में स्टेट यूनिवर्सिटी कैटेगरी में स्थान प्राप्त किया है। उसके लिए आप सबको पुनः बधाई। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो छात्र छात्राएं यहाँ पर प्रस्तुति दे रहे थे, उनको भी संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से बहुत शुभकामनाएं। आपका भविष्य उज्ज्वल।
स्वतंत्रता दिवस एक ऐसा दिवस है जो हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों ने इस दिन के लिए कितनी तपस्या की थी, कितने बलिदान दिए थे। उड़ीसा के 12 वर्षीय बालक बाजी राउत से अगर हम शुरू करें, जिन्होंने 1929 में स्वाधीनता संग्राम ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, 18 वर्षीय खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सब 30 वर्ष से नीचे के थे, रानी अवंतीबाई लोधी, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, अशफाक उल्ला खान, सुभाष चंद्र बोस और ऐसे अनेकों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिनके अमर बलिदान से आज हम यह दिन देख पाए। ये तो वो नाम है जो आप इतिहास के पन्नों में पढ़ते हैं, लेकिन लाखों की संख्या में वो नाम हैं जिन्हें अनसंग हीरोज कहा जाता है, जिनके बारे में शायद हमको पता भी नहीं है कि किन्होंने किस स्तर पर जाकर के स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज का दिन ऐसे सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का दिन है, जिनके कारण आज हम स्वतंत्र भारत के एक सम्मानित नागरिक के रूप में विश्व में पहचान प्राप्त कर रहे हैं। कृतज्ञता उनके प्रति भी प्रकट करने का दिन है जो देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, हमारे नागरिकों की सुरक्षा कर रहे हैं और हमारी स्वतंत्रता और अखंडता को अक्षुण रखने के लिए दिन रात विपरीत परिस्थितियों में आज भी प्रयासरत हैं। हम सामान्य नागरिक हैं, लेकिन देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, ये भी आज के दिन विचार करने का क्षण है। हम स्वतंत्रता की बात करें तो जाहिर सी बात है कि भौतिक रूप से हम स्वतंत्र हैं, लेकिन क्या हम पूर्ण स्वतंत्र हैं आज भी? क्या हम अपनी स्वतंत्रता को उस सीमा तक ले जा पा रहे हैं, एंजॉय कर पा रहे हैं, जिस सीमा तक स्वतंत्रता को हमें एंजॉय करना चाहिए? आप सब जो यहां पर देश की युवा पीढ़ी है, उनको कुछ चीजों से परिचित कराना चाहता हूं। एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर कोई भी व्यक्ति या देश तरक्की करता है तो अपने आप 50 दुश्मन पैदा कर लेता है। आज भारत भी उसी राह पर है, बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है और इसलिए विश्व की अनेक शक्तियां इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि वो हमारी प्रगति में बाधा उत्पन्न कर सके। ऐसे नैरेटिव्स चल रहे हैं, ऐसी स्ट्रेटजी सेट हो रही हैं कि भारतवर्ष कमजोर हो, लेकिन हम उस देश के वासी हैं जिसने अपनी विपरीत परिस्थितियों को भी हमेशा अनुकूल किया है। यह हमारे ब्लड में है और अगर ऐसा नहीं होता तो आज हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक नहीं होते। कैसे अनुकूलताएं लानी वो इस युवा पीढ़ी को डिसाइड करना है, इस युवा पीढ़ी के ऊपर इसकी जिम्मेदारी। हमने रिसोर्सेस का वेट नहीं किया, हमने रिसोर्सेस को क्रिएट किया, हमने कहीं से सहायता की उम्मीद नहीं की, हमने इतिहास को लिखा है, उसको जिया भी है। अगर आप आदिकाल के उदाहरण से शुरू करें तो श्रीराम सेतु, जिसे आज हम श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं और वो नासा के द्वारा और हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा एक प्रामाणिक पौराणिक अवशेष है, वो किसी रिसोर्स की उपलब्धता के कारण नहीं बनाया गया था, वहां पर रिसोर्स क्रिएट किया गया था। आधुनिक युग में अगर हम सुभाष चंद्र बोस की बात करें
तो उनके पास कोई भी रिसोर्स नहीं थे, लेकिन जब एक से एक हाथ मिले तो ये पूरा देश एक हुआ और एक ऐसी सेना खड़ी हो गई जिसने कि अंग्रेजों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब हमें इस देश में आगे सत्ता में रहना है या नहीं रहना है। सुभाष चंद्र बोस का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था स्वतंत्रता संग्राम में, ये अगर जानना हो तो 1951 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का वो इंटरव्यू पढ़िए जो उसने कलकत्ता में हिंदुस्तान टाइम्स के पत्रकार को दिया था। बहुत स्पष्टता के साथ उसने रेखांकित किया था कि ये सिर्फ और सिर्फ सुभाष चंद्र बोस थे जिसने अंग्रेजों की सत्ता को हिला दिया और यह सोचने को मजबूर किया कि हमें आगे क्या रणनीति रखनी है, भारत को स्वतंत्र करना है या नहीं करना है। और शायद यही वो नींव थी, यही वो प्रारब्ध था जहां से कि भारत के पार्टीशन की बात स्टार्ट हुई। क्योंकि ये एक कॉमन साइकोलॉजी है कि जब आदमी किसी चीज को पूरी तरीके से नष्ट नहीं कर पाता है तो वो ऐसी स्थिति में छोड़ जाता है कि वो अपने आप आगे विनाश की विभीषिका को झेलता रहे। और यही वो कारण था जब हमारा देश जो है वो दो टुकड़ों में बटा। स्वतंत्रता के बाद कभी हम अन्न के लिए तरसते थे। 1965 का युद्ध अगर आपको याद हो, हमारी जो पीढ़ी है, समकक्ष पीढ़ी है या हमसे जो बड़े लोग हैं उनको अगर वो दिन याद हो, तो समस्त देशवासियों के लिए आह्वान किया गया था कि सिर्फ एक टाइम भोजन करेंगे। इतनी ज़्यादा अन्न की कमी थी। उस समय हमारी जनसंख्या 40 करोड़ के आसपास थी, आज हमारी जनसंख्या 150 करोड़ के आसपास पहुंच रही है और हम अन्न को निर्यात कर रहे हैं। कहां से चले थे और कहां पर पहुंचे हैं ये हमारे लिए गर्व का विषय है और हमारे लिए ये एक प्रेरणा का सूत्र है कि जो पिछली पीढ़ी कर गई है उसके संदर्भ में आगे की पीढ़ी की जिम्मेदारी क्या है। हमारी युवा पीढ़ी को हर पल ये सोचना होगा कि देश सर्वोपरि है या उसका व्यक्तिगत हित, व्यक्तिगत स्वार्थ सर्वोपरि है। जिस सिस्टम से आप जुड़े हैं, जिस सिस्टम में आप भविष्य में कार्य करेंगे, उसके प्रति आपकी क्या लॉयल्टी है, ये देश की प्रगति की दिशा को निर्धारित करेगी। अगर आप सिस्टम के प्रति लॉयल हैं, देश सर्वोपरि की भावना से कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से वर्ष 2047 तक या उससे बहुत पहले भारत विकसित भारत के रूप में बदल जाएगा। श्रेष्ठ भारत बनाना है, आप सभी को पता है कि इतिहास के पन्नों में यह सुरक्षित है कि हम किसी जमाने में श्रेष्ठ भारत के रूप में जाने जाते थे। वो ऐसे कौन से कारक थे जिन्होंने हमें दूसरों से अलग किया था? पूरी दुनिया हमारे पास सीखने के लिए आती थी, पूरी दुनिया हमसे व्यापार करने के लिए उतावली रहती थी। वो कौन से ऐसे कारक थे? जो नेचुरल रिसोर्सेस आज से 5000 साल पहले थे, या बहुत दूर नहीं जाइए सिर्फ 2000 साल पहले थे, वो आज भी इस धरती पर उपस्थित है। जरूरत इस बात को समझने की है कि हमारी युवा पीढ़ी, हमारी वो पीढ़ी जिसे कि भारत का निर्माण करना है, उसकी सोच क्या है? उसकी सोच उद्यमी बनने की है या डिपेंडेंट बनने की? अगर आप उद्यमी बनेंगे, अगर आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे, तो आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो डिफरेंट होगा। आप नौकरी ढूंढने वाले नहीं, नौकरी देने वाले नागरिक के रूप में अपने को विकसित करें। समूह कार्य की भावना को पहचानें। स्वतंत्रता हमको ऐसे नहीं मिली। मैंने कहा कि जब एक एक हाथ मिला है और पूरा समूह तैयार हुआ है तब हम जाकर के स्वतंत्र हुए। और 78 वर्ष की कालखंड की आधुनिक भारत की यात्रा को देखिए, जहां जहां टीम वर्क की भावना के साथ कार्य किया गया है उस क्षेत्र में हम आज सर्वोच्चता की तरफ बढ़ रहे हैं।
टीम भावना के साथ कार्य करने की आदत हमको डालनी होगी। जब हम एक टीम के रूप में काम करेंगे, एक समूह के रूप में काम करेंगे, तो जो बड़े लक्ष्य हैं वो भी छोटे हो जाएंगे। आज का दिन एक ऐसा दिन है जो न सिर्फ हमें यह बोध कराता है कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, बल्कि हमारी भविष्य की जिम्मेदारियों का एहसास भी कराता है। जिस सिस्टम से आज आप जुड़े हैं, जिस सिस्टम के आप विद्यार्थी हैं या जो सेवारत हैं, उसके प्रति भी क्या जिम्मेदारी है, इसको भी जरूर कहीं ना कहीं ध्यान रखना चाहिए। जब आप सिस्टम के प्रति जिम्मेदारी की भावना से कार्य करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उसकी प्रगति का रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं राष्ट्र की प्रगति को निर्धारित करेगा। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, सफलता लगातार प्रयत्नशील रहने से मिलती है। आज के दिवस पर मैं आप सब छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। हमारे परिवार के अन्य सदस्यों को हार्दिक शुभकामना देता हूं और सिर्फ दो पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। चलो झुक कर सलाम करें जिनके हिस्से में यह मुकाम आया है। खुश नसीब होता है वह इंसान जो देश के काम आया है। धन्यवाद सर, आपका उद्बोधन सदैव हमें अभिप्रेरित करता है। अब मैं विश्वविद्यालय के आदरणीय रजिस्ट्रार महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करता हूँ। दो दो एक सेकंड लगेगा बोलने में इसका। 78वीं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में विश्वविद्यालय प्रांगण में उपस्थित माननीय कुलपति महोदय, सम्माननीय शिक्षकगण, प्रिय छात्र एवं छात्राओं एवं प्रांगण में उपस्थित अन्य प्रबुद्धजन, इस उपलक्ष में उपस्थित आप सभी लोगों को 78वीं स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और आप यहां पर उपस्थित हुए इसके लिए विश्वविद्यालय की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि यहां से जाते वक्त अनुशासित होकर विश्वविद्यालय द्वारा जो स्थान उपलब्ध कराया गया है उसको लेते हुए जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप सभी के लिए स्थान की व्यवस्था है, आप सबसे आग्रह है कि ग्रहण करें। बोलना जरूरी, कोई बात नहीं, हमको लगा 5 मिनट बोलेंगे। नहीं, बोलने का तो था ही नहीं, धन्यवाद का था। बोलने का तो था, शूट भी हो गया। हाँ, तो सोच रहे थे वो गांधी जी वाला जो बात जो है फिर दोहरा है। बोलने का दिए नहीं थे ना टाइम, गजब कर रहा था। अरे सर, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हाँ, कौन सा कॉलेज? अपने को भी जाना है, तुम स्कूल जाना है। हाँ ठीक है, एक कान से सुन के दूसरे कान से गा। चल।